प्रदेश भर से रोजगार मांगने आए भोपाल युवक युवतियों को पुलिस की लाठियां मिली। सरकार से रोजगार देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवाओं को पुलिस ने रोक लिया। प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठियां चलाई और वहां से हटाया। पुलिस द्वारा किए गए लाठी चार्ज में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। युवा बेरोजगार प्रदर्शनकारी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रिक्त पदों पर भर्तियां निकालकर नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकारी विभागों में कर्मचारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनकी जगह भरने के लिए नई भर्तियां निकाली जाएं। लेकिन बुधवार को भोपाल में प्रदर्शन करने आए बेरोजगारों को रोजगार के बदले लाठियां मिली। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने कई युवाओं को खदेड़ दिया। युवाओं का दावा है कि इसमें 25 से ज्यादा युवक घायल हो गए हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरदस्ती एक वैन में बिठाया और भोपाल से करीब 25 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ दिया। मूवमेंट अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट ने 18 अगस्त को प्रदेश भर के युवाओं को भोपाल में एकजुट होने का आह्वान किया था। इसके चलते बुधवार सुबह से ही कई युवा रोशनपुरा चौराहे पर जुटने लगे, लेकिन पुलिस ने यहां पर चारों ओर से बैरिकेडिंग कर रखी थी, इसलिए संगठन ने लोकेशन बदली। इसके बाद वे नीलम पार्क में पहुंचने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया और लाठीचार्ज किया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।